बेमेतरा जिले में धान खरीदी को लेकर पंजीयन शुरू हो गया है, लेकिन बार बार सर्वर के डाउन होने के साथ ही कई किसानों के नाम सोसाइटी में नहीं दिखने के चलते परेशान है। वहीं राज्य शासन की ओर से 31 अक्टूबर तक धान के पंजीयन की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में 102 सोसाइटी के माध्यम से किसानों का धान पंजीकरण किया जा रहा है। सर अगले साल ऐसा घूमते घूमते 15 दिन से घूमा ले दे करके मतलब कुछ काम हुआ तो ये साल बोल रहे तुम्हारा 45 आदमी का दिख रहे बहु नाव गाँव से, उसके बाद आपका नाम ही नहीं दिख रहा है, ऐसे कहकर बेमेतरा सोसाइटी से बोल रहे हैं। और गए मैं अगले साल बेमेतरा सोसाइटी में धान बेचा हूँ और कंदली सोसाइटी में धान नहीं बेचा हूँ, पर भी से मेरे को आप कर्जा दे रहे हैं। समिति में अभी कुछ किसान आ रहे हैं रकबा संशोधन के लिए, जिनका आरईओ द्वारा सत्यापन किया जा रहा है, और आज के दिनांक में तो सर्वर अच्छे से चल नहीं रहा है, इसलिए कुछ काम नहीं हो पा रहा है और गिरदा वाली मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है किसानों का। अभी तक जितने भी गत वर्ष में 1448 किसान पंजीकृत थे सोसाइटी में, लेकिन उनका कैरी फॉरवर्ड रिपोर्ट अभी तक सोसाइटी सॉफ्टवेयर में नहीं आया है।